हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनप्रीत किचन। तो आज हम किचन में नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं हम लॉन्ग ड्राइव पे। आपको लेके जा रही हूँ मैं मुरथल, जो कि मेरे घर से 76 किलोमीटर है और हमें पहुँचने में लगेगा 1.5 घंटा, जो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो हम सुबह 8:15 बजे निकल गए थे क्योंकि सुबह रश भी नहीं मिलता है और दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह आज सुबह का मौसम बड़ा सुहावना था, तो हमने सोचा है कि आज का ब्रेकफास्ट हमने वहीं करना है। तो हाईवे पे काफ़ी सारे ढाबे हैं जब हम दिल्ली से पंजाब जाते हैं, तो मुरथल में काफ़ी सारे नामी हैं ढाबे, लेकिन उनमें से अमरीक सुखदेव ढाबा जो है काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो आज हमने वहीं ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी अपने सारे यूट्यूबर फैमिली का, फ्रेंड का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है। तो आगे भी मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो बातें करते करते हम पहुंच रहे हैं, रास्ता देखो कितना स्मूथ है और गाड़ी भी हमारी जा रही है 120 की स्पीड पे। तो देखिए रास्ते में कितने कलरफुल, कितने ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट हैं। तो खाना यहाँ एक से एक बढ़ के मिलता है, पूरा ऑथेंटिक टेस्ट पंजाब का। तो पंजाब से काफ़ी लोग हैं जो बाहर ही रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, और जब अपना पंजाब वापस आते हैं तो उनको वही स्वाद देने की कोशिश करते हैं, वही साग कड़ी और जितने भी नॉर्थ इंडियन खाने हैं। तो देखिए अभी आ रहा है गुलशन ढाबा, ये भी काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं यहाँ, देखो उनका बहुत ही अच्छा है। तो हम पहुँच के मन्नत आ गया ढाबा, सारे बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं। तो हम अब पहुँचने ही वाले हैं अमरीक सुखदेव ढाबे पे। तो उसके पास ही नरम धर्म एक और ढाबा है जो कहते हैं कि धर्मेंद्र का है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है। तो देखिए अभी हम पहुँच गए हैं, बहुत ही एम्पल स्पेस है गाड़ियाँ खड़ी करने की, तो आप कभी भी आ सकते हैं, तो कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 9:30 बजे हैं क्योंकि हमें रास्ते में कोई क्राउड नहीं मिला है। तो देखिए इसकी एंट्री कितनी अच्छी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, और सुबह 9:30 बजे ही काफ़ी रश है, बहुत सारे यंगस्टर आए हुए हैं अपना सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं ढाबे के अंदर, जब बाहर भी बैठने की काफ़ी स्पेस है। तो जा रहे, देखिए अंदर भी इतनी भीड़ है, बाप रे, मतलब सुबह 9:30 बजे ही लोग, इतने लोग आए हुए हैं। तो मैं तो देख के हैरान ही रह गई कि कोरोना का तो यहाँ लग ही नहीं रहा कि कोरोना है कहीं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूरा सैनिटाइज करके अंदर आने देते हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड, तो लगता नहीं चाइनीज़। तो सबसे पहले हमने आलू का परांठा मंगवाया है जिससे वाइट बटर दे के, तो ये मैंने डोसा मंगाया था जो मुझे बिल्कुल स्वाद ही लगा, ये इनका स्पेशल था बट आई डोंट लाइक। तो ये है फ्राइड परांठा, वो पहले ड्राई परांठा था। तो यहाँ हमने काफ़ी खाना खाया, काफ़ी इंजॉय किया, छोले भटूरे वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, पास में ही इनका अमरीक सुखदेव का ही है, इन्हीं के कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कि बच्चों के खिलौने, कपड़े, ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे, 2 घंटे के आसपास हम यहीं रुके रहे, तो काफ़ी हम घूमें, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमारा इन टोटल ट्रिप बहुत ही इंजॉयबल रहा। रोड देखो कितनी स्मूथ है, 1 बज गए हैं दोपहर के, लेकिन फिर भी कोई रश नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। तो हमारा ट्रिप रहा है पूरा सक्सेसफुल, खूब इंजॉय किया, आप भी एक बार विज़िट देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।